वेलकम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सीकेंट ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट टू अ सर्कल इसको हम समझते हैं सबसे पहले सीकेंट ऑफ ए सर्कल को हम समझते हैं कि क्या हो सकता है ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है एक लाइन एल हमारे पास है ठीक है और एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है अब इस लाइन में यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सर्कल के दो पॉइंट्स जो हैं जैसे यहाँ पर एक पी पॉइंट है और ये हमारे पास क्यू पॉइंट है ये दो डिफरेंट पॉइंट है जो कि सर्कल और लाइन में क्या आ रहे हैं जी कॉमन आ रहे हैं तो ऐसी लाइन जिसके यानी जिसका यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ जाए तो वो लाइन जो है वो सीकेंट ऑफ ऑफे सर्कल कहलाती है ठीक है यानी अब इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं ये अब एक और लाइन है हमारे पास जैसे फ़र्श करें ये एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ठीक है इसको मैं अगर फर्श करें यहाँ पर एस पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमारे पास टी पॉइंट आ रहा है तो ये अब एस टी जो हमारे पास लाइन है ये क्या है सीकेंट ऑफ ए सर्कल है ठीक है बात समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट है इसका इसी तरह से अब टेंजेंट टू अ सर्कल क्या हो सकता है जैसे कि आपको एक लाइन नजर आ रही है एम ठीक है अब इस लाइन ने और इस सर्कल में यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर में पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब इस सर्कल में और इस लाइन में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका ठीक है वाहि ये यह यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ जी ये हमारे पास एस है ठीक है एस वन कर लेते हैं चले ये हमारे पास एस वन वो पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइन और सर्कल में कॉमन है और फिर हम दूसरी बात ये देख रहे हैं कि सर ये जो लाइन है ये सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं हो रही ठीक है जैसे कि ऊपर हमने देखा कि ये जो सीकेंट है वो सर्कल के इंटीरियर से भी पास हो रही है लेकिन इसमें जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी टेंजेंट टू अ सर्कल होगी वो कभी भी सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं होगी सिर्फ़ एक वो पॉइंट होगा जो कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आएगा यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा ठीक है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो बात समझ गए होंगे आपको वाज़ फ़र्क नज़र आ गया कि एक टेंजेंट लाइन में और एक सीकेंट लाइन में क्या फ़र्क है तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारे पास जो मुख्तफ़ एग्जाम्पल्स हैं जैसे यहाँ पर अब मैंने रिप्रजेंट किया डिफरेंट लाइन्स को एक प्लेन है हमारे पास ठीक है उसमें हमारे पास लाइन है एल लाइन है एल टू लाइन है एम लाइन है एन लाइन है अब आपने इसमें देखना है या आपकी ऑब्ज़र्वेशन है कि आप देखें कि इसमें कौन सी वो लाइन है जो सीकेंट हो सकती है और कौन सी लाइन है जो टेंजेंट टू अ सर्कल हो सकती है जैसे अगर हम गौर करें तो जो एन एन हमें लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर ठीक है और सर्कल के इंटीरियर से पास हो रही है ठीक है यहाँ पी और क्यू में लिख देता हूँ तो इस वजह से इस लाइन को हम कहेंगे ये सीकेंट लाइन है ठीक है सीकेंट ऑफ ए सर्कल है और इसके अलावा जब अगर हम ये देखते हैं एम लाइन को जो वाइट कलर में नजर आ रही है तो ये सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जो पॉइंट हमारे पास P1 है इस वजह से ये लाइन जो हमारे पास है वो टेंजेंट लाइन कहलाएगी ठीक है और इसी हिसाब से अगर हम देखें L लाइन को तो ये जो लाइन है ये भी टेंजेंट टू अ सर्कल कहलाएगी S1 पॉइंट पर इंटरसेकट नहीं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसका S1 है जबकि लाइन L2 जो है वो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रही ठीक है ना उसके इंटीरियर से पास हो रही इसलिए ये लाइन्स अगर मैं इनका सोलूशन सेट लिखूँगा यानी अगर हम इस ए, कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करें जिसमें हमारे पास एक इक्वेन सर्कल की है क्वाड्रेटिक इक्वेन है ठीक है टू वेरिएबल्स जबकि एक जो हमारे पास वो लीनियर इक्वेन है तो उनका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा ठीक है तो यहाँ से हमने बात समझी कि हमारे पास जो सीकेंड ऑफ ए सर्कल या टेंजेंट टू अ सर्कल जो है वो क्या होते हैं और क्या है इनका कंसेप्ट है